गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट. दिस इज योर मैथ्स क्लास. आई एम योर मैथ्स टीचर. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस योर चैप्टर एक्सरसाइज 9.4 विच इज वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑन मनी. ओके, ये जो आपकी एक्सरसाइज 9.4 है वो है आपकी मनी के ऊपर वर्ल्ड प्रॉब्लम है. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को. देखिए, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. पहला क्वेश्चन हम रीड करेंगे. शिव बॉट अ प्लम फॉर रुपीज 2 एंड अ स्वीट फॉर रुपीज 20. हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर. तो उसने टोटल कितने रुपीज स्पेंड किए. 2 रुपीज उसने स्पेंड किए प्लम के लिए, जो नोट कर दिया. 20 रुपीज स्पेंड किए स्वीट के लिए, वो हमने यहाँ लिख दिया. आप क्या करेंगे, हम इनको प्लस कर देंगे. ओके, तो 2 में हम प्लस किया, 0 2 आ गया, है ना. और 2 कट एज ए 2 ही रहेगा क्योंकि ऊपर कोई डिजिट नहीं है. तो हमारा कितना हो गया, 22 रुपीज. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं. समिता पेड रुपीज 10 फॉर अ चॉकलेट टॉफी. चॉकलेट टॉफी के लिए उसने 10 रुपीज पेड किया एंड 5 रुपीज वो कोकोनट टॉफी के लिए किया. हाउ मच डिड शी पे ऑल टुगेदर. तो उसने टोटल कितने रुपीज पे करे. तो देखिए, चॉकलेट टॉफी के लिए उसने किए 10, वो हमने यहाँ लिख दिए. कोकोनट टॉफी के लिए 5 किया, वो यहाँ लिख दिया. अब दोनों को प्लस करते हैं. 5 में 0 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा और 1 का 1. ओके, तो कितने रुपीज उसने टोटल अमाउंट पेड किया, 15 रुपीज. ओके स्टूडेंट्स, चलिए ऐसे ही आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन, मनीषा पिक्स अप अ रूलर फॉर रुपीज 4, ठीक है, अ पेन फॉर रुपीज 9 एंड अ कलरिंग बुक फॉर रुपीज 15. हाउ मच शी पे इन ऑल. उसने टोटल कितने किए. तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, 4 रुपीज किए उसने रूलर के लिए, 9 रुपीज किए पेन के लिए और कलरिंग बुक के लिए किए 15 रुपीज. हम इन सबको प्लस कर देंगे. तो चलिए 4 में 9 प्लस करते हैं. तो हमारा 4 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13. ओके, अब 13 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा. 13 में 5 प्लस करके आगे और 5 प्लस कर दीजिए उसमें, तो आ जाएगा हमारा 18. 18 का आ गया 8, कैरी हो गया 1. ओके, कैरी आप 1 यहां भी लिख सकते हैं. और तो ये कैरी हमारा 1 हो गया, ठीक है. अब हमारा 1 कैरी और 1 ये हमारा कितना हो गया, 2. तो टोटल रुपीज उसने कितने करे स्टूडेंट, 28 रुपीज. ओके चलिए, 28 रुपीज किसने करे, 3 टाइम्स उसने जो पे किए वो 28 रुपीज किए. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं हम. विनय सोल्ड अ पजल फॉर रुपीज 23. पजल उसने बेची 23 रुपीज में. मेमोरी गेम बेचा उसने 40 रुपीज में सोल्ड किया. बिल्डिंग ब्लॉक्स जो सोल्ड किए वो के 38 रुपीज में. तो हाउ मच मनी डिड ही गेट, तो उसको कितनी मनी मिली. तो देखिए कैसे करेंगे, अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे. 8 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 3 में 8 प्लस करिए या 8 प्लस 3 करिए एक ही बात है, 11 हो जाएगा. 11 का 1 यहाँ आ गया, 1 हमारा यहाँ हो गया कैरी, ठीक है, 1 कैरी हो गया. अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे, हमारा 2 और 1 हो गया 3, 3 और 4, 3 और 4 हो जाएगा हमारा, बताइए 3 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में हम 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10. तो ये आंसर हो गया हमारा 101 रुपीज. ओके टोटल अमाउंट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते हैं. क्वेश्चन 5 में क्या है, अनूज मदर बॉट अ पेंसिल बॉक्स. अनु की मदर ने एक पेंसिल बॉक्स को खरीदा 4 रुपीज, कितने में, 16 में. ओके, आई स्नैक बॉक्स 4 रुपीज 13 में. एक क्या खरीदा था, स्नैक बॉक्स जो कि 13 में, एंड अ वाटर बॉटल, और एक वाटर बॉटल ली 4 रुपीज 24 में. ओके, 24 रुपीज में. तो हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल, तो उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड करी. ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने पेंसिल बॉक्स की मनी लिख ली 16 रुपीज, स्नैक बॉक्स की लिख ली फिर 13 रुपीज, और वाटर बॉटल की लिख ली हमने 24 रुपीज. ओके, अब हम इन सबको क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे. तो चलिए प्लस करते हैं, 6 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 3 यहाँ हो गया कैरी 1,
1 plus 1, 2, okay, or 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, okay, तो ये आंसर हो गया हमारा 53. ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ आ रहा हो गया होगा, ये आंसर कितना हो गया हमारा 53. तो 53 रुपीज टोटल अमाउंट स्पेंड 53 रुपीज. ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ आ गया होगा, इसको आपको अच्छे से अपनी बुक और नोटबुक दोनों में करना है. ओके थैंक यू.